नमस्कार। कल हमने देखा कि एस्ट्रोलेब इस उपकरण का इस्तेमाल करके हम चांद की गति कैसे पढ़ सकते हैं, उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं और उसके फेजेस के बारे में, पृथ्वी के अराउंड चांद की कक्षा के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। आज हम चांद के ही बारे में और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे। कल की एक्टिविटी अगर आपने की होगी और अगर आज आप वापस वो रिपीट करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर एंगल मिलेगा जो हमें बताएगा कि चांद आसमान में किस डायरेक्शन में कितने डिग्रीज मूव करता है, जो हमें चांद का अर्थ के अराउंड रिवॉल्यूशन पीरियड बताने में मदद करता है। आइए आज सीखते हैं एक और नई एक्टिविटी जिसमें हम जानेंगे लूनर फेजेस के बारे में या फिर चंद्र कलाएं, चांद की कलाएं कैसे होती है। अब हम जानते हैं चांद की कलाएं कैसे होती है, एक सिंपल सी एक्टिविटी। इसके लिए हमें बस कोई भी बॉल चाहिए, जैसे मेरे पास ये स्पंज का बॉल है और एक स्टिक, कोई भी स्टिक आपके घर में हो तो वो चल सकता। मेरे पास ये ब्रश है, पेंटिंग ब्रश, तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। मुझे अब ये ब्रश में ये बॉल फिक्स करना है। इस बॉल का इस्तेमाल मैं एज अ मून करूंगी, तो ये होगा हमारा मून। हम खुद होंगे अर्थ, पृथ्वी, और हम जानेंगे कि चांद की कलाएं कैसे होती है। ये एक्टिविटी यहाँ पे दिखाने के पीछे एक महत्वपूर्ण रीजन ये है कि कई बार लोगों की कल्पनाएं होती है चांद की कलाएं ये पृथ्वी की छाया की वजह से होती है, लेकिन पृथ्वी की छाया की वजह से कुछ और ही इंटरेस्टिंग खगोलीय घटनाएं हमें दिखाई देती हैं। उनके बारे में जानेंगे हम कल। आज हम जानेंगे कि चांद की कलाएं क्यों होती है, कैसे होती है और उनके पीछे क्या भूमिति या ज्योमेट्री है। तो हमारे पास अर्थ है, मून है और सूरज की रोशनी है। ये एक्टिविटी हम डे टाइम में कर सकते हैं जिसमें हम एक्चुअल सूरज की रोशनी का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये एक्टिविटी सनसेट के बाद या शाम को कर रहे हो या रात को कर रहे हो तो आप कोई भी टॉर्च का या बल्ब का इस्तेमाल एज अ सन कर सकते हैं। ये एक्टिविटी हम देखेंगे टोटल 8 स्टेप्स में। हमें ये तो पता है कि चांद धरती के चक्कर काटता है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम है। हम आज तक ये सीखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि दो सेम या सिमिलर चंद्रकलाओं के बीच 30 दिन का अंतर रहता है, मतलब दो पूर्णिमाओं के बीच अगर हम देखें तो लगभग 30 दिन का अंतर रहता है। ये कैसे होता है ये हम देखते हैं। स्टेप वन, हम शुरुआत करेंगे सन, अर्थ और चांद में 0 डिग्री एंगल से, मतलब 0 डिग्री। जब सन, अर्थ और मून इनके बीच में 0 डिग्रीज एंगल है, सूरज की रोशनी इस तरफ से आ रही है, मेरी बाई तरफ से, और चांद का जो हिस्सा मेरे सामने है उस पे तो सूरज की रोशनी नहीं आ रही है, इसीलिए मुझे चांद का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है। चांद के जिस आधे हिस्से पर रोशनी है वो आधा हिस्सा धरती से परे है। इसका मतलब आधा चांद रोशन तो है लेकिन हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। इसी का मतलब है ये अमावस्या है या अमावस्या की स्थिति है, जिसे हम नो मून या न्यू मून फेज भी बोलते हैं। तो अमावस्या के दिन चांद आसमान में तो होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि
सूरज की रोशनी चांद के जिस भाग पर या जिस हिस्से पर गिरती है वो हिस्सा हमारी तरफ नहीं। और कोई भी चीज हमें तभी दिखाई देती है जब उस चीज से आने वाली रोशनी हम तक पहुंचती है। अमावस्या के दिन हमें चांद क्यों नहीं दिखाई देता यह हमें स्टेप में पता चलता है। स्टेप टू जिसमें हम अपने चांद को धरती के अराउंड 45 डिग्रीज एंगल में घुमाएंगे और ऑफ कोर्स इसी के साथ हमें भी खुद के अराउंड घूमना है। ये चांद सेकेंड स्टेप में धरती के अराउंड 45 डिग्रीज। सेकेंड स्टेप में आप देख पाओगे कि चांद के इस आधे हिस्से में लाइट है जैसे पहले भी था। चांद का आधा हिस्सा हमेशा रोशन रहता है और अभी धरती के सामने जो चांद है, धरती के सामने चांद का जो हिस्सा है उसका थोड़ा सा हिस्सा रोशन हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे देख पाओगे कि हम क्रीसेंट मून या जिसे हम चंद्रकोर भी बोलते हैं वो देख पा रहे हैं। स्टेप थ्री, सन अर्थ और मून के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल। सो थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि चांद के आधे आधे हिस्से में जो रोशन है उसका आधा हिस्सा धरती के सामने दिख रहा है। इसका मतलब ऑलरेडी हाफ मून सनलिट है और उस हाफ मून का हाफ मतलब क्वार्टर हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है। इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर मून या आधा चांद, अर्धचंद्र। इसका मतलब है जब सूरज धरती और चांद के बीच 90 डिग्रीज का कोण होता है, एंगल रहता है, तब हमें आधा चांद दिखाई देता है। स्टेप फोर, जब हम और 45 डिग्री से चांद को घुमाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखो तो चांद का जो हिस्सा हमारी तरफ है उसमें जो सनलिट आधा हिस्सा है उसका भी मैक्सिमम पोर्शन हमारी तरफ है। इसे हम बोलते हैं गिब्बस मून, यानी पूर्णिमा के पहले का और आधे चांद से थोड़ा ज्यादा लेट पोर्शन हमें दिखाई देता है। स्टेप फाइव, जिसमें सूरज धरती और चांद, इसका मतलब इन तीनों के बीच में जो एंगल है वो है 180 डिग्रीज, 180 डिग्री। इसमें आप देख पाओगे कि चांद के जिस आधे हिस्से में, आधे हिस्से पे रोशनी आ रही है वो आधा हिस्सा धरती के सामने है। एग्जैक्टली अपोजिट है ये स्टेप स्टेप वन से। यहाँ पे हम देख पाएंगे कि चांद के जिस आधे हिस्से पे लाइट है वो आधा हिस्सा हम धरती से पूरी तरह से देख पा रहे हैं। इसका मतलब हम चांद का वो पूरा सनलिट हिस्सा देख पा रहे हैं जिसे हम पूरा चांद, पूर्णिमा का चांद या फिर फुल मून बोलते हैं। फुल मून के दिन हमें चांद की पूरी डिस्क दिखाई देती है। इस वक्त एंगल रहता है सन अर्थ और मून के बीच में 90 डिग्री। स्टेप सिक्स, हम और दूसरी ओर पूर्णिमा से आगे 45 डिग्री जाएंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे कि फिर से सनलिट आधा पोर्शन जो है चांद का
उसमें हमें पूरे से थोड़ा कम और आधे से ज्यादा पोर्शन चांद का दिखाई दे रहा है। ये वेनिंग गिब्बस मून कहलाता है। वेनिंग गिब्बस मतलब पूरे से कम और आधे से ज्यादा। स्टेप 7 मतलब सूरज धरती और चांद के बीच अगेन 90 डिग्री, लेकिन चांद अपनी साइकिल की अब दूसरी ओर आ चुका है। यहाँ पे भी आप देख पाओगे कि हमें जो आधा हिस्सा चांद का सनलिट है, उस आधे हिस्से का भी आधा ही हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसे हम बोलते हैं थर्ड क्वार्टर मून। शायद अब आपको ये बात ध्यान में आई होगी कि हम जिसे आधा चांद बोलते हैं उसे अंग्रेजी में क्वार्टर मून क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आधा चांद लिट है, उसमें भी आधा हिस्सा ही हमारे सामने है, इसीलिए हम उसे क्वार्टर मून बोलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं थर्ड क्वार्टर मून। आठवीं स्टेप मतलब अब चांद सूरज की तरफ और 45 डिग्री आगे बढ़ चुका है। अब इस फेज में हम देख सकते हैं आधे से कम चांद हमें दिखाई दे रहा है। ये है वेनिंग क्रिसेंट मून। वेनिंग का मतलब है डिक्रीजिंग। यहाँ पे हमें वापस जो आधा पोर्शन चांद का सनलिट है उसमें हमारे सामने जो पोर्शन है उसका थोड़ा सा ही हिस्सा रोशन होने की वजह से हमें क्रीसेंट मून दिख रहा है। उसके बाद इस स्टेप में हम वापस पहली स्थिति में जाते हैं जहां पे सूरज धरती और चांद के बीच में एंगल या कोण 0 डिग्री हो जाता है। और वापस अमावस्या की फेज आती है। तो ये है लूनार फेजेस का साइकिल। आशा है कि ये एक्टिविटी से लूनार फेजेस कैसे होते हैं ये आपको पता चला होगा, विजुअलाइज हुआ होगा। अब जैसे मैंने कहा था कि एक इंटरेस्टिंग खगोलीय घटना घटने वाली है जिसकी जिम्मेदार पृथ्वी की छाया या अर्थ शैडो होगी। वो घटना घटने वाली है 5 जून 2020 में। पेनम्ब्रल लूनार इक्लिप्स होने वाला है।
मतलब चंद्र ग्रह। अभी अभी हमने देखा कि फेजेस कैसे होते हैं, या मून जैसे ही अर्थ के अराउंड घूमता है उसके एंगल्स बदलने की वजह से हमें चांद की कौन कौन सी कलाएं दिखाई देती है। हमने ये भी सीखा है कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही होता है, मतलब सूरज पृथ्वी और चंद्र। लेकिन हर पूर्णिमा के वक्त हर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं होता। तो आपके लिए ये चैलेंज है कि आपको वो स्थिति ढूंढनी है जिस वक्त चंद्र ग्रहण हो, और अगर आप वो ढूंढ पाओ तो आपको ये भी डिटरमिन करना है, ये भी खोजना है कि हर पूर्णिमा के वक्त चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होता। और अगर इसका सही जवाब जानना हो तो हमारा कल का इक्लिप्स स्पेशल सेशन अटेंड कीजिएगा, जिसमें हम जानेंगे इक्लिप्सेस के बारे में। और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि लूनर इक्लिप्स का और उसी तरह आने वाले सोलर इक्लिप्स का ऑब्जर्वेशन हम सेफली अपने घरों से कैसे कर सकते हैं।